आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 6 क्वेश्चंस। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है cos A बराबर cos B, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो हमें कहा गया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो सबसे पहले यहां पे बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज। ए बी सी 90 डिग्री, ए और बी न्यून कोण है, क्वेश्चन से दिया गया है, इसलिए सी को 90 डिग्री मानेंगे। हल कॉस ए बराबर कॉस बी, रीजन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम कॉस ए का अनुपात, मेन एंगल ए को मानेंगे क्योंकि कॉस ए दिया हुआ है, और कॉस ए का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। अब कॉस बी में मेन एंगल मानेंगे बी को, और इसका अनुपात हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। यहां पे आ जाएगा ए सी बराबर बी सी अपॉन ए बी, और ये ए बी डिवाइड में तो बराबर के इस साइड में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, क्या जाएगा ए सी बराबर बी सी। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो जैसे ए सी बराबर है बी सी, तो ए सी के सामने बनने वाला कोण बी और बी सी के सामने बनने वाला कोण ये ए बराबर होंगे दोनों। यहां पे लिख सकते हैं कि ए सी के सामने बनने वाला कोण बी बराबर होगा बी सी के सामने बनने वाला कोण ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर यहाँ पे रीजन लिख देना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। थैंक यू।